Dear students, welcome on RC Online Pathshala. Now we start a new topic. Cube root of unity. देखिए, आपको square root ऐसे लिखा तो आपने बोल दिया 4. अगर आपको किसी ने U लिखा तो आपने बोल दिया 5, और अगर आपको U दिया किसी ने तो आपने बोल दिया 9. ये तो था स्क्वायर रूट, और अब क्या करेंगे हम, क्यूब रूट, यानी कि 1 की पावर 1/3. इस तरीके से क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. यूनिटी मतलब 1 का किस प्रकार से हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए ध्यान से. किस प्रकार से हम करेंगे, ध्यान देना आप. देखो, लेट जेड इक्वल टू हम कर लेते हैं 1 की पावर 1/3. ठीक है भाई, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो 1/3 ले लिया. 1 की पावर है 1/3, तो ये जेड है. और टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, तो क्या होगा यहां से, जेड क्यूब इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा, सेपरेशन कर लो, जेड क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0. तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जेड क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 0. अब आपको एक फॉर्मूला आप जानते ही हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपको पता ही होगा. अब उसके बाद में आप सोल्व कर लो इसको. देखो क्या करेंगे, जेड माइनस 1, ठीक है, और क्या करोगे, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0. अब यहां से क्या होगा, जेड माइनस इक्वल टू 0 और जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से तो क्या आया, जेड इक्वल टू 1 कंप्लीट है. इसे सोल्व करो, देखो ये क्या है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो. क्या होता है वो, देखो अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होता तो आप एक्स इक्वल टू लिखते, लेकिन अब जेड में है तो जेड इक्वल टू क्या होता है बोलो, माइनस बी, 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस 4 ए सी, 1 मैंने छोड़ दिया उनको, अपॉन 2a. ठीक है, तो यहां से क्या आया, ध्यान देना, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये. तो z इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस ये माइनस 3 अपॉन में क्या आया, 2. और याद करो पुराने लेक्चर्स, अगर कहीं भी आपको यू दिखाई दे तो आप क्या बताया था आपको, आपको यू लिखना है. तो z इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, देखो रूट में माइनस है, इसको बाहर निकालोगे तो आयोटा लगेगा, और ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे. ठीक है, अब ध्यान देना, आगे देखिए किस प्रकार से करना है. देखो इसको मैं एक काम करता हूं, z इक्वल टू आपके पास आ गया माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, ठीक है, और दूसरा क्या आएगा, z इक्वल टू माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2. और ये z इक्वल टू 1 पहले आपके पास आ ही चुका था. इसका मतलब देखो, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज ले रहे थे उस टाइम आपको कितने रूट्स मिलते थे, 2 रूट्स मिलते थे क्वाड्रेटिक में, लेकिन अब क्या है, पावर 3 का इक्वेशन है तो 3 रूट्स मिलेंगे. तो ये तो आपको z इक्वल टू 1 ही याद रखना है, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2. और ये है ना, ये जो ये लिखा है मैंने, ये ओमेगा होता है. क्या होता है, ओमेगा, ओमेगा होता है, और इस ओमेगा का वैल्यू क्या है, माइनस 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2. ऐसे ही इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर होता है ये. इसको भी चलो मैं आपको आगे लिख के बता देता हूं, जेड इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2, और ये आपको याद रखना है, ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर. तो ध्यान देना, इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में z इक्वल टू 1 तो क्या होता है, रियल रूट होता है,
और जबकि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर इमेजिनरी रूट्स, और आपको ये वैल्यूज ऐसे कैसे लर्न रखनी है, और इसके साथ में ये फॉर्मूले और लिखवा देता हूँ मैं। देखिए, कहीं भी आपको ओमेगा क्यूब मिले उसकी वैल्यू होती है 1, और सेकंड में बता दूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0। ये दोनों आपको याद रखना है। अब देखिए, 1 की पावर 1/4, 1 की पावर 1/5, 1 की पावर 1/n, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे ये मैं आपको ऑफलाइन क्लास में कराऊंगा। तो आई होप आपको ये ठीक प्रकार से समझ में आया होगा और आप इसे अच्छे समझिए। बाकी नोट्स आपको हैंड रिटन में मिले लिखे मिलेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही।